हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोटस आयुर्वेद इंडिया। फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ लॉस ऑफ स्मेल यानी घ्राणहीनता, सूंघना पाना का घरेलू उपचार, इलाज और परहेज। फ्रेंड्स, इस जानकारी को बताने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे YouTube चैनल लोटस आयुर्वेद इंडिया को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से औषधियों की वो सारी जानकारियां लेकर आते हैं जिन्हें आप इस्तेमाल कर अपने जीवन में स्वस्थ रह सकते हैं। जी हाँ, घ्राणहीनता यानी सूंघना पाना क्या है? एनोस्मिया घ्राणहीनता सूंघने की शक्ति की आंशिक अथवा पूर्ण हानि है। आमतौर पर यह गंभीर नहीं होता, लेकिन यह व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह संभव है कि एनोस्मिया से ग्रस्त व्यक्ति भोजन का स्वाद भी न ले पाए, भोजन में उनकी रुचि खो सकती है, इसके कारण वजन में कमी और कुपोषण हो सकता है। एनोस्मिया ग्रस्त लोगों को थोड़ी निराशा भी हो सकती है, क्योंकि वे आनंददायी भोजन को सूंघने अथवा खाने में समर्थ नहीं होते। बढ़ती आयु के कारण होने वाली ग्रहण क्षमता की कमी ठीक नहीं हो सकती। सर्दी अथवा नाक की एलर्जी से होने वाली ग्रहण शक्ति की कमी अपने आप ही कुछ दिनों बाद ठीक हो जाती है। एक आम मान्यता है कि एनोस्मिया यदि ठीक होना हो तो अधिकतर लोगों में यह शुरुआती 3 महीनों में ही ठीक हो जाता है और कुछ लोगों में सालों लग जाते हैं। एनोस्मिया का निर्धारण विस्तृत इतिहास लेकर, रोगी का परीक्षण करके और कुछ जांचों के द्वारा होता है, जिनमें सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, नाक की एंडोस्कोपी, सूंघने की नस की जांच, खोपड़ी का एक्सरे, डॉक्टर द्वारा आम सवालों के जवाब। तो आइए जानते हैं इसके घरेलू उपचार, इलाज और परहेज के बारे में। योग और व्यायाम। पसीना नाक के भीतर के अवरोध को खोलता है, इसलिए नाक से भरा हुआ लगने के एहसास को कम करने के लिए कुछ हल्के व्यायाम करें। अपने घर की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए धुएं की पहचान वाला यंत्र और विद्युत उपकरण लगाएं, क्योंकि यदि गैस का रिसाव हो तो आपको पता नहीं चलेगा। आपके चेहरे पर गर्म भाप का प्रयोग एनोस्मिया में लाभकारी है। नाक में अवरोध की दशा में लहसुन आपके लिए उपयोगी है। हमारे कुछ दर्शक एनोस्मिया के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, जिनका जवाब इस प्रकार है। पहला सवाल, क्या नाक के अंदर स्प्रे का प्रयोग करने से घ्राणहीनता हो सकती है? तो इसका जवाब है, वायरस द्वारा उत्पन्न ऊपरी श्वसन तंत्र के संक्रमण के लिए नाक के अंदर जिंक युक्त जेल अथवा स्प्रे का प्रयोग सूंघने की शक्ति को घटाने के लिए एक कारण माना गया है। घ्राणहीनता इसके अत्यधिक उपयोग के कारण होती है। दूसरा सवाल, क्या घ्राणहीनता अनुवांशिक है? कैलमैन सिंड्रोम एक श्रृंखला विकार है, जो KAL1 जीन, जो एनोस्मिया को रेखांकित करता है, में परिवर्तन के कारण होता है। एनोस्मिन एक प्रोटीन है जो सूंघने के बल्ब और GnRH उत्पन्न करने वाले न्यूरॉन के पूर्ववर्ती तंत्रिकाओं के विस्थापन में मध्यस्थ होता है। इन लोगों में GnRH की कमी होती है। साथ ही एनोस्मिया या हाइपोस्मिया, गुर्दे की बीमारी, तंत्रिकाओं की असामान्यता आदि में से कोई एक या मिश्रित रोग होते हैं। यह समस्या दुर्लभ है और यह महिलाओं में तथा अनुवांशिक होती है। तीसरा सवाल, घ्राणहीनता की समस्याएं क्या हैं? घ्राणहीनता से ग्रस्त लोग भोजन में और खाने में दोनों में रुचि खो देते हैं, इसके कारण कुपोषण और वजन में कमी हो सकती है। चौथा सवाल, घ्राणहीनता का इलाज कैसे होता है? इलाज कारण पर निर्भर करता है। यदि कमी सर्दी, एलर्जी या साइनस के संक्रमण से है तो यह अपने आप ही कुछ दिनों में चली जाती है। यदि सर्दी और एलर्जी के लक्षण शांत हो जाने के बाद भी सूंघने की क्षमता में कमी बनी हुई है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नाक में अवरोध के कारण हुई कमी को नाक के भीतर के अवरोध को
हटाकर ठीक किया जाता है। इस प्रक्रिया में होने वाली शल्यक्रिया से नाक के भीतर की परत में हुई वृद्धि, नाक की हड्डी को सीधा करना या नाक के भीतर स्थित छिद्रों को साफ किया जाता है। वृद्ध लोग में घ्राण शक्ति की अस्थायी हानि की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। जन्मजात घ्राणहीनता से ग्रस्त लोगों के लिए वर्तमान में कोई चिकित्सा नहीं है। आंशिक घ्राणहीनता से ग्रस्त रोगी अपने भोजन का आनंद लेने के लिए भोजन में तीव्र गंध वाले तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स लॉस ऑफ स्मेल यानी घ्राणहीनता, सूंघना पाना का घरेलू उपचार, इलाज और परहेज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपके हेल्थ से संबंधित वो सारी जानकारियां लेकर आता हूं जिसे आप यूज कर अपना इलाज खुद कर सकते हैं और इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स आप अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं दोस्तों, और साथ साथ बीमारियों से संबंधित सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।